मैं मिस्टर रौनक कर्मकर की पैरोल की रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। मैम इस समय मिस्टर नरेन जो कि रौनक के बड़े भाई, उन्हें बार बार अटैक्स आ रहे हैं और इस बेहोशी की हालत में वो अपने छोटे भाई को याद कर रहे हैं। मैं इन पर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करके लाया हूँ। ये रहे उनके डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट, ये उनके साइकेट्रिस्ट के सर्टिफिकेट है। अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगी तो आपको पता चल जाएगा कि नरेन की हालत क्या है। कुछ फोटोग्राफ्स भी है जिसमें ये दिखता है कि नरेन को किस तरह से बांध कर रखा गया है। उनके साइकेट्रिस्ट भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। इफ यू नीड एनी क्लेरिफिकेशन, आप अगर उनसे कुछ पूछताछ करना चाहती हो तो। यस मैम, मिस्टर नरेन इज सीरियसली इल एट दिस मोमेंट, ही इज नॉट इन अ नॉर्मल स्टेट। मेरी आपसे यही विनती है कि ऐसे समय पे मिस्टर रौनक को पैरोल दी जाए। मैं जानता हूँ कि रेप केस है, ऐसे टाइम पे किसी को पैरोल देना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आप नरेन के बारे में सोचिए। अगर ऐसे वक्त पे रौनक को पैरोल नहीं दी गई तो एक बीमार आदमी पे अन्याय होगा। डॉक्टर्स और साइकियाट्रिस्ट का ये कहना है कि इस वक्त मिस्टर नरेन के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनके अपने उसके साथ रहे। रौनक इस समय उनके लिए एक मेडिसिन की तरह काम करेगा। ही विल जस्ट एक्ट लाइक अ ट्रीटमेंट टू हिम। मैं जानता हूँ कि हम कानून के दायरों में रहकर काम करते हैं, लेकिन रिश्तों के दायरे कानून के दायरों से बड़े होते हैं। जिस तरह से डॉक्टर्स अपना कर्तव्य निभाते हैं एक पेशेंट की जान बचाकर, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका सपोर्ट करें। ऐसे समय पे प्लीज अब रौनक के पैरोल पे छोड़ दीजिए। आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सही है, लेकिन आप जानते हैं ऐसे केस में यूजुअली पैरोल नहीं दी जाती। क्योंकि मिस्टर नरेन कर्मकर बहुत बीमार है, इसलिए मैं रौनक कर्मकर की पैरोल मंजूर करती हूँ। लेकिन पैरोल के दौरान अगर रौनक कर्मकर कोई क्राइम करते हैं तो आप जानते हैं। डोंट वरी अबाउट इट मैम, ऐसे समय पे आई विल मेक श्योर कि रौनक ऐसा वैसा कोई काम ना करे। आई विल गारंटी यू दैट। नरेन सर को सोते वक्त एसी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उन्हें ना सारी खिड़कियां खुली अच्छी लगती और है ना वो जब सोते हैं ना तो वो पूरी रजाई नहीं लेते, उन्हें अच्छा नहीं लगता। Excuse me, यहाँ पे सोने आती है। नरेन को एसी की हवा जरा भी पसंद नहीं है, उसे सिर्फ फ्रेश एयर पसंद है। जस्ट मेक श्योर कि ये विंडो हमेशा खुली रहे, ठीक है? मैंने एसी स्विच ऑफ कर दी है, इसे दोबारा ऑन मत करना। ओके सर। वो ब्लैंकेट हमेशा आधी ओढ़ता है अपने पैरों तक, और सबसे जरूरी बात, सोने से पहले इसे कोई ठंडी चीज मत देना, उससे सर्दी जल्दी हो जाती है। ओके सर। तुम जा सकती हो। हाँ गीता बोलो। सॉरी शेखर, तुम्हें इतनी रात को मैंने फोन किया। एक्चुअली मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। नरेन सर कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक है, आराम कर रहे हैं। वो खिड़की खोल दी थी आपने? मैंने खिड़की खोल दी है, एसी भी बंद कर दी है। तुम्हारी सारी बातें मैंने नर्स को भी बता दी। अच्छा अंकिता मेरी बात सुनो, एक खुशी की खबर है, रौनक को पैरोल मिल गई और इसी खुशी में रोशाली आंटी एक पार्टी भी रख रही है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, इस पार्टी का पूरा फायदा उठाना है, नरेन को किसी भी तरह से घर से बाहर निकालना है। मुझे याद है। और माधव सिंह, आप ये एक एक करके फूल लगाएंगे कैसे होगा? और मैंने कहा था कि सफेद फूल ज्यादा होने चाहिए, ये कहां पर लगाने जा रहे हो? हाँ ठीक है, दो उनको। और ये कैंडल्स देखो, कैंडल्स ऑन करो उसको। ये अभी तक क्या कर रहे हो? ये अभी तक यहाँ पर पड़ा है, तो मालूम है ये कहाँ लगाना है? मैं जो नहीं चाहती थी वही हो रहा है। इतने दिन से ना मैं अकेली थी, अपनी लाइफ में खुश थी, अपनी मर्जी से थी, और
अब ये बंदर वापस आ रहा है और मेरी लाइफ फिर से हेल हो जाएगी। अगर मेरा बस चले ना तो उस कुत्ते की शक्ल कभी नहीं देखूं मैं। He's so irritating, you know? बाकी गैस की लिस्ट मैंने कुक को दे दिया, ठीक है? जी। ध्यान रखना। आज रौनक आ रहा है। I'm so happy. तुम भी बहुत खुश हो ना? मैं कैसे सवाल कर रही हूँ? Of course you are happy. मैं जानती हूँ कि तुमने उसे बहुत मिस किया है शादी के एकदम बाद। It's just not think about all that now. वो आ रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। ऐसा लग रहा है जैसे इतने दिनों के बाद में इस घर में कोई खुशी आ रही है। तुम देखना, वो जैसे ही आएगा ना, इस घर का सारा माहौल बदल जाएगा। There'll be positivity. और नरेन पर भी उसका अच्छा असर पड़ेगा। देखो शाम को तुम कुछ अच्छा पहनना, यू आर द होस्टेस। तुम्हें रौनक की जगह पर सब गेस्ट को रिसीव करना है, ओके? प्रेम सिंह तुम क्या कर रहे हो? अरे वाह, तैयारियां तो ऐसे हो रही है जैसे बेटा दुनिया जीत कर आ रहा है। उसके बिहाफ पे मैं सबको रिसीव करूँ, उसका स्वागत करूंगी। माय फुट। हे ब्रो। हाँ रौनक। थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच। यू नो यू आर सिंपली ग्रेट, आई रियली अप्रिशिएट दैट। पर ओल्ड भाई सही, जेल से तो बाहर निकला। एंड यू नो व्हाट, मुझे पता था एक बार मॉम लंदन से वापस आ जाएंगी ना तो मुझे जेल में रहने नहीं देंगी। शी विल टेक अ सन आउट ऑफ द जेल। थैंक यू सो मच। एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें दो मिनट में मिलता हूँ। अच्छी होता है, डन। आज पहली बार अपने जमीर और अपने इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई काम किया है। रौनक अगर मेरे बस में होता ना, तेरी सजा भी दुगनी करा देता। पर यह सब नरेन के लिए शायद दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ शेखर। अंकिता, नरेन के घर पे पार्टी की सारी तैयारी हो गई है। मैंने अभी अभी रौनक को भी परोल पे छुड़ा दिया है। अंकिता, अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। हाँ। देखो आप दो प्लान्स बनाए हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के मुताबिक मैं वेटर बनकर बंगलों में एंटर करूंगा, ठीक है? और बंगलों के बैक डोर से जाकर अंकिता को अंदर लेकर आऊंगा। अगर प्लान ए वर्क नहीं करता है किसी कारण, तो प्लान बी में ये होता है। टीचर को क्या लगता है, हमें प्लान में शामिल नहीं करेगा तो हम अपनी बेटी की मदद नहीं करेंगे का? बिल्कुल करेंगे, और अपने ढंग से करेंगे। नरेंद्र के घर में पार्टी, मतबल मफत की दारू, बेसुमार और विलायती। अब तो हम माँ जरूर जाएंगे। इस असांग बसांग तो बेवकूफ है, बड़े लोगों के घर में कैसे घुसना है ये हुनर सिर्फ हमरे को आता है। ये फटीचर क्या करेगा? एक से एक बड़े लोगों के घरों में घुस के बड़ी बड़ी तिजोरियां फोड़ी है हमने। बात करत है, नरेन को उठाना कौन सी कठिन बात है? चल राघव मात्रे, हो जा तैयार, लगा अपना तजुर्बा। अब यस मॉम, अब क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें आधा घंटा पहले कहा था ना कि पूजा की थाली तैयार होनी चाहिए, तो कहाँ है? मॉम मैं बस अभी कर देती हूँ, I'm so sorry कि रौनक कभी भी आ जाएगा। किन्नरी कम ऑन, हरी अप। रुशाली मन से। अब you know what, I'll just call you। बहुत बहुत काम है एंड ऊपर से ये लोग बहुत ज्यादा इरिटेट। रुशाली ये सब क्या है? तुम्हारा बेटा कोई अवार्ड जीतकर नहीं आ रहा है, पैरोल पर जेल से छूटकर आ रहा है। If you've not forgotten, let me tell you. भाई, आप ये क्यों कर रही हैं? हमारी बात हुई थी ना, आपको हमने समझाया ना कि ये सब क्लाइंट्स के लिए करना बहुत जरूरी है, उनको एक नॉर्मल सिनेरियो दिखाना बहुत जरूरी है, for ourselves, for our business, you know all this, भाई। देवा, कितना भी समझाने की कोशिश करो नहीं समझ पाएगी, बेटे के प्यार में पागल हो गई है। सिद्धिविनायका मी शेखर,
अतू हेलो शेखर आई एम अ लिटिल टेंस्ड आज शाम की पार्टी में अगर कोई गड़बड़ हो गई तो अतू आप जरा भी चिंता मत कीजिए कोई गड़बड़ नहीं होगी नो यू डोंट अंडरस्टैंड रौनक पैरोल पर यहाँ आया है नरेन की बीमारी का बहाना बनाकर कर पुलिस को पता चल गया कि घर पे पार्टी है तो ये लीगल टेक्निकलिटीज तुम ज्यादा समझते हो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग आई जस्ट फील कि पार्टी घर के बजाय अगर हम होटल में शिफ्ट कर दे तो विल दैट बी बेटर अतू आप जो कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो पर रोशनी आंटी ने खुद ने ही कहा था कि घर पे ही पार्टी होनी चाहिए और मैंने भी उन्हें एनकरेज किया था इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि अगर घर पे पार्टी हो तो ज्यादा अच्छा है बाहर के कोई ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे नहीं घर पे जो भी गेस्ट आए सिर्फ उन्हीं को अटेंड करना पड़ेगा कोई प्रेस भी नहीं आ पाएगी आप जरा भी चिंता मत कीजिए कोई गड़बड़ नहीं होगी मैं फोन रखता हूँ बाय अतु पार्टी घर पे रखी होगी तभी तो अंकिता नरेन को घर से बाहर निकाल पाएगी वहां पर शीरीष स्टार्टर्स टेस्ट कर रही हैं उनको बोलो जल्दी आएं बहुत हो गया और वाइन ग्लासेस सुना लुक हु इज बैक आ गए तुम ओह गॉड आई वाज थिंकिंग कैसे हो तुम गुड मॉम इट्स गुड टू सी यू अपना घर होता है यू नो फील्स सो गुड टू बी बैक शीरीष देखो रौनक आ गया हाय रौनक माय बॉय हाउ आर यू डॉग ओह आ गया कार्टून अभी भी फेस पर वही सिली स्माइल है जो हमेशा की तरह फनी लग रही है मेरा तो मन कर रहा ना इसे एक थप्पड़ लगाओ लेकिन नहीं कर सकती सो कॉल्ड हस्बैंड है यू नो व्हाट अभी तक मैंने इसे हस्बैंड का रॉब झाड़ने नहीं दिया किनरी किनरी जी मॉम आरती की थाली लाओ भाई चलो बस शेखर जरा बोला ऐसे शिरीष तुझे शी I'll just back शिरीष I'm really worried आज की पार्टी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अगर किसी भी गेस्ट को नरेन की तबीयत के बारे में पता चल गया तो The whole Karmarkar Empire will be at stake and we can't afford this. I don't worry. कुछ नहीं होगा. हम लोग सब हैं ना यहाँ. कुछ नहीं होगा. Okay. Oh God. ये लोग तो कुछ कभी time पे करते नहीं. अरे भाई, उधर रौनक आ चुका है. तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ, रौनक आ गया. ले आ. Be careful. हाथ जल जाएगा. मेरा हाथ जलेगा? जल तो तुम रही हो किन्नरी. जैसा छोड़ के गया था ना बिल्कुल वैसे ही हो लगता है तुम्हारे पति के जेल जाने का कोई असर नहीं हुआ या फिर ये चेहरे की रौनक मेरे आने का असर अपने इमोशंस पे काबू रखो डोंट बी टू स्मार्ट पैरोल पर आए हो निर्दोष छूटकर नहीं आए हो और वैसे भी अगर दोबारा किसी औरत को छेड़ने की कोशिश की ना तो सीधे जेल जाओगे फिर तो पैरोल पर भी वापस नहीं आ पाओगे आज अगर तुम यहाँ खड़े हो तो सिर्फ तुम्हारी माँ की जिद की वजह से मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें जेल के बाहर निकलने नहीं देती जस्ट बी केयरफुल रौनक अपनी प्रोफाइल को थोड़ा लो ही रखना मैं नहीं चाहता कि तुम बेवजह लोगों की नजर में आओ sure. नरेन से दवाई ले लीजिए कुछ रोमांटिक प्लीज अच्छा सा कुछ बहुत अच्छा आना नरेन के लिए क्या बोलेगी सो आना डैश नरेन फिल इन द ब्लैंक्स आना जल्दी से बोलो ना आना डैश नरेन फिल इन द ब्लैंक्स
एल से, सो एल से एक वर्ड आता है, एल से वर्ड, मुझे नहीं, प्लीज प्लीज नरेन सर, प्लीज दवाई दीजिए मुझे, एल डैश नरेन, फिल इन द ब्लैंक्स, अब एल से आहाना लाइक्स नरेन, नरेन आल्सो लाइक्स आहाना, बट एक और भी तो वर्ड होता है एल से, वो वाला प्लीज, आहाना आहाना लव्स नरेन, नरेन आल्सो लव्स आहाना, एक बार अच्छे से प्लीज, आहाना लव्स नरेन, नरेन आल्सो लव्स आहाना, इनफैक्ट नरेन आहाना से बहुत 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 प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि नरेन की जिंदगी आहाना के बगैर शायद जिंदगी ना, और नरेन आहाना की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, और नरेन की हर सांस में हर पल में सिर्फ और सिर्फ आहाना है, आई लव यू आहाना, हो गया, क्या हो गया, तुम्हारे फोन पे सेंड कर दिया, अब अगर तुम मुझे मिस करोगी तो तुम ये सुन सकती हो, और मैं मिस करूंगा तो मैं भी सुन सकता हूँ, I love you too, sir. I love you too. उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा मैंने दिल से महसूस करके नहीं कहा था, लेकिन अब मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत 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 सारा प्यार, and I love you so much. एकदम दिल से। ताई, मैं जानती हूँ कि तू क्या सोच रही है, पर अब तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तू देखना सब ठीक हो जाएगा, आज हमने जो भी सोचा हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा, नरेन जीजू को हम बाहर लाएंगे, जो एक्सपेरिमेंट करना है सब कर लेंगे, नरेन जीजू एकदम ठीक हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, ये रोना वोना सब बंद कर दे अब तू, तुम मत चल मानसी, ताई मैंने फैसला कर लिया है, मैं तेरे साथ वहां जरूर आऊंगी, मुझे पहली बार तो तेरे और जीजू के लिए कुछ करने को मिला है, मैं जरूर करूंगी, सब ठीक हो जाएगा, तुम दोनों की, अंकिता मानसी लग रहा हूँ ना सरदार, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो जल्दी करो निकलना है हमें, हाँ चलो, अब तू रोना वोना बंद कर, चलो अरे तुम ये क्या कर रही हो, इनके हाथ मत खोलो, डोंट वरी मैम, मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, ये बेहोश है, अब हाँ फिर भी तुम इनके हाथ मत खोलो, और ये खाना मैं खिला दूंगी, तुम जाओ, ओके। तेरे चक्कर में वो रेपिस्ट वापस आया परोल पे, इसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी, आज ये खाना तो खुद खाएगा, वो भी अपने हाथों से, और ये हाथ मैं खोलूंगी नहीं, खाओ ले, खाओ ये खाना, क्या पानी, क्या कहा तुमने, फिर से कहो, ओ पानी चाहिए तुम्हें, रुको ये लो पानी, अरे लो ना पानी, ये लो, अरे पियो पियो पियो, तुझे तो मैं ऐसी सजा देती रहूंगी, और जहां तक उस रेपिस का सवाल है उसे तो मैं वक्त के पहले ही जेल भेज दूंगी, हेलो वाईबी न्यूज जी, मैं करमरकर हाउस से बोल रही हूँ, उनकी हाउसर करमरकर फैमिली के छोटे बेटे के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज देनी, वाओ पार्टी का असली मजा तो अब आएगा,
मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपको बिल्कुल किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके साथ फिर से साथ फेरे लेना चाहती हूँ। अग्नि को साक्षी मान के अब चौथे फेरे में मैं आपके आगे जाऊंगी, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि अगर कल को कोई भी मुसीबत आए तो सबसे पहले उसे मेरा सामना करना होगा। आज से आपके जान की जिम्मेदारी मेरी है।